साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड कुछ परिवर्तन हुआ है। जी हाँ साथियों, 27-28 जून को कुछ विदेश मंत्रालय DGCA ने परिवर्तन करते हुए फ्लाइटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। जी हाँ साथियों, दोनों में बात करेंगे, पेज 3 और पेज 4। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, मैंने 136 फ्लाइटें बताई थी कि भाई 136 फ्लाइटें 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक हैं। तो लोगों के भी क्वेश्चन थे, हमारे भी क्वेश्चन थे, भाई 14 दिन में मात्र 136 फ्लाइटें पेज 4 में, तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो आज उसका एकदम क्लियर हो गया है, पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो बताऊंगा मात्र 3 मिनट में। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और फेसबुक पेज वाले भी भाई पेज को फॉलो कर लें। तो मैं बता दूं साथियों, आज गवर्नमेंट ने 28 जून को कुछ अपडेट किए हैं फ्लाइट से रिलेटेड। जी हां साथियों, पहले मैंने बताया था कि भाई 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक पेज 4 है उसमें मात्र 136 फ्लाइटें हैं, और उसमें चेंज करके जो 560 के करीब फ्लाइटें थी पेज 3 में उसको बढ़ा के मैंने बताया था 50-60 फ्लाइटें कर दी हैं। दोनों में चेंजिंग हुआ है, मैं बता दूं पेज 3 में वापस फ्लाइटें 50-60 कम कर दी हैं आज की डेट में, जिसको पहले थी 556 के करीब वही फ्लाइटें हैं, और पेज 4 में इसको बढ़ा के मैं बता दूं साथियों 136 से बढ़ा के 347 फ्लाइटें कर दी हैं। जी हां साथियों, लगभग 350 फ्लाइटें इसको बढ़ा के कर दी गई हैं। और कौन सी कंट्रियों का इसमें ऐड किया गया है पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा भाई कौन सी कंट्री के लिए कितनी कितनी फ्लाइटें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैंने बताया था साथियों UAE के लिए 58 फ्लाइट हैं 1 जुलाई से 14 जुलाई तक का पूरा शेड्यूल मैं बता रहा हूं। ओमान के लिए 17 फ्लाइटों का शेड्यूल है, बहरीन के लिए 47 बहरीन के लिए यार सबसे ज्यादा फ्लाइटें आ रही हैं, सिंगापुर के लिए 5 फ्लाइटों का शेड्यूल है, मलेशिया के लिए 8 फ्लाइटों का शेड्यूल है। ये हैं, पहले मात्र 136 फ्लाइटें 5 कंट्रियों की थी, इसको बढ़ा के आगे कर दिया गया है, वो मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए साथियों 14 फ्लाइटों का शेड्यूल किया गया है, इंडिया पहुंचेंगे, कनाडा के लिए 10 फ्लाइटें रहेंगी, जापान से 1 फ्लाइट है, केनिया से 8 फ्लाइटें रहेंगी, भाई कुवैत, सबसे पहले गल्फ वाले सुन लीजिए, कुवैत से 40 फ्लाइटें आएंगी 1 जुलाई से, ये अगस्त तक का शेड्यूल इसमें है भाई, अगस्त तक चलेंगी ये फ्लाइटें कुवैत वाली। केनिया से 17 फ्लाइटों का शेड्यूल है साथियों, म्यांमार से 2 फ्लाइटें आएंगी, और मैं बता दूं आपको 15 फ्लाइटों का एक अलग से शेड्यूल है। जी हां साथियों, मैं बता दूं यूके, जी हां साथियों, यूके से भाई 36 फ्लाइटों का शेड्यूल है लंदन से, यूक्रेन से 14 फ्लाइटों का शेड्यूल है, और यूएसए से 31 फ्लाइटें इंडिया पहुंचेगी, बाकी थोड़ी बहुत फ्लाइटें वियतनाम से, फिलीपीन से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, ये अलग है। तो कुल मिला के मैं बता दूं आपको 347 फ्लाइटें का शेड्यूल है जो गवर्नमेंट ने आज 28 जून को इसमें को चेंज किया है, और हो सकता है इसमें फ्लाइटें और ऐड कर दें। तो भाई रोज ये अपडेट आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हर बार सरकार कुछ विदेश मंत्रालय फ्लाइट से रिलेटेड कुछ अपडेट जोड़ती रहती हैं फ्लाइटें। तो कल 136 थी, आज 347 हो गई, हो सकता है एक दो दिन में और फ्लाइटें शेड्यूल बढ़ जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।